24 घंटे में 96,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिलने के बाद कुल मरीजों की संख्या 46 लाख के करीब पहुंची। मरने वालों की संख्या 76,000 के पार। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करने पर ओडिशा, तेलंगाना, दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बिहार में नर्सिंग और मिडवाइरी के छात्रों का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन, अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने और नतीजे जारी करने की मांग। नहीं थम रहा पीएम मोदी के भाषणों को यूट्यूब पर नापसंद करने का सिलसिला। 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर दिए गए भाषण के दौरान लाइक से ज्यादा डिसलाइक मिले। कर्नाटक के आरकेश्वर स्वामी मंदिर परिसर में 3 लोगों की हत्या, दान पेटी में रखे रुपए ले उड़े लुटेरे। ड्रग मामले में एक्टर रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत 5 लोगों की जमानत याचिका मुंबई की विशेष अदालत ने खारिज की। और कैलिफोर्निया से भड़की आग 12 राज्यों में पहुंची, अब तक कम से कम 15 की हुई मौत। ओरेगॉन के बाद वॉशिंगटन में भी हालात बदतर हुए।